हेलो एवरीवन, वेलकम टू एससीबी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ एग्जाम बी। एसएससी की तरफ से एक नोटिस आया है जो आपको देखना बहुत जरूरी है। जो भी स्टूडेंट्स सीजीएल 2022 के टीयर टू में जो अपियर हुए थे उनके लिए नोटिस है और इसको आप जरूर देख लीजिए। एक ही चीज में बार बार मेंशन की हुई है, देखते हैं इस नोटिस में एक बार क्या लिखा हुआ है। तो जरा यहाँ पर देखिए, इंपॉर्टेंट नोटिस। द कैंडिडेट्स में प्लीज रेफर टू द नोटिस ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022 सीजीएल 2022 Published by the Commission on its website on 17/9/2022, the Staff Selection Commission conducted the CGL examination from this to this date in the computer based mode. The result was declared on this date. Subsequently, Commission conducted the combined Tier 2 exam from that to that date. ठीक है, तो कहने का मतलब यह जो आपका CGL exam हुआ था अभी, ठीक है, जो जिन्होंने exam दिया था ये उनके बारे में है। पहला point यहाँ पर क्या लिखा गया है? Before the declaration of result, option preference for post department are required to be submitted by those candidates who have appeared in tier 2 examination. ठीक है, तो यहां पर बोला गया कि रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले आपका जो आप पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं वो जो आपकी विंडो है वो ओपन की जाएगी। और वो कब ओपन की जाएगी? वो 27/4/2023 से लेकर 1/5/2023 तक वो आपकी ओपन जो है वो की जाएगी। ठीक है, 4 से 5 दिनों के लिए आपकी विंडो ओपन की जाएगी और उसी के अंदर, उसी टाइम के अंदर आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को फिल करना है। पोस्ट प्रेफरेंस आप कैसे फिल करेंगे? जो आपकी आईडी पासवर्ड है, जो आपकी कैंडिडेट लॉगिन आईडी होती है, वहां पर जाके आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, यहां पर थर्ड पॉइंट क्या गिवन है? कैंडिडेट्स में प्लीज नोट दैट द ऑप्शन कम प्रेफरेंस कैन बी रिवाइज ओनली ड्यूरिंग द अफोर सेट पीरियड एंड ऑप्शन कम प्रेफरेंस लास्ट मिनट बाय द कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। ठीक है, जो भी आपको टाइम पीरियड गिवन है इसी में आपको उसको फिल करना है और जो आपने फिल कर दिया भाई आपका फाइनल जो है पोस्ट वो माना जाएगा, है ना। कैंडिडेट्स हु फेल टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन कम प्रेफरेंस ड्यूरिंग द अफोरसेट पीरियड shall not be given any further opportunity for submission of their option cum preference and such candidates will not be considered for inclusion in the final merit list. ठीक है, दो बार एक चीज बोल दी गई है कि उसी पीरियड में आपको उसको करना है, उसके अलावा और कोई मीन नहीं है कि आप ऐसी ऑफिस जाएं, आप दिल्ली जाएं, कहीं भी जाएं, फिर आपकी पोस्ट प्रेफरेंस को माना नहीं जाएगा। और उसके बाद जो एक लास्ट पॉइंट ये है, PWBD candidates must ensure that they give preference for only those posts which are identified as suitable for their disabilities. Allocation of post will be made as per the provision of the notice of examination on the basis of merit cum preference of post. The candidature of PWD candidate will get cancelled. ठीक है, ये cancel हो जाएगा अगर आपको बाद में identify किया गया कि आपके अंदर कोई disability है। अब मैं आपको उसका मतलब समझा दूं। पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले कई लोग ऐसे होते हैं जिनके बहुत अच्छे नंबर होते हैं तो वो सिर्फ 4 या 5 पोस्ट ही भरते हैं कि हमें बस यही जाना है, हमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही बनना है, हमें एमईए में ही जाना है। अगर आप डिसेबल हैं किसी भी तरह से, ठीक है, तो पहले अपना जो फुली मेडिकल चेकअप है आप उसको बहुत अच्छे से करा लीजिए, बहुत अच्छे मेडिकल चेकअप से उसको आप कराइए, आप श्योर हो जाए कि आपके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली कलर ब्लाइंडनेस में दिक्कत आती है, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो कलर ब्लाइंडनेस को नहीं मानते हैं, है ना। तो अगर आपको, अगर सपोज करो कि आपके बहुत अच्छा नंबर है और आपको डिपार्टमेंट मिल गया है और वहां पर जाके उन्होंने अगर आपका मेडिकल कराया और अगर आप कलर ब्लाइंड निकल गए या फिर आप उनके जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपकी जॉब पर दिक्कत बन सकती है। ये यहां पर साफ साफ लिखा गया, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद एसएससी का उसमें कोई रोल नहीं रहेगा, सिर्फ उस डिपार्टमेंट का उसमें रोल रहेगा। तो आपके पास ये ऑप्शन है, या तो उसमें आप मेडिकल वाली पोस्ट भी भरिए या फिर क्या है पोस्ट ज्यादा भरिए और अपना मेडिकल जो है अच्छे से आप करा कर जाइए। तो पोस्ट प्रेफरेंस आपकी 3 दिन बाद जो ओपन हो जाएगी, 3 दिन का आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है। तो अपना मेडिकल जो है उसको अच्छे से करा लीजिए, फुली फिट आप उसको करा लीजिए, फुल आपका जो बॉडी का जो चेकअप होता है, ट्रीटमेंट होता है, उसको आप अच्छे से करा लीजिए और तभी उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस को आप भरिएगा। ठीक है, दो चीजें यहां पर बहुत ध्यान दिया गया है कि आपको उसी टाइम पीरियड में अपनी पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो भरनी है और आपको ये देखना है कि आप मेडिकली फिट हैं उस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ध्यान देना उस चीज पर, यह मौका फिर बार बार नहीं मिलेगा। आपने इतनी मेहनत की है तो उस मेहनत को आप जाया मत जाने दीजिएगा, इन चीजों का आप बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यही था मेरी तरफ से इस वीडियो में कि नोटिस आया इसको अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से इसको आप क्लैरिफाई कर लीजिए किसी डॉक्टर से। ठीक है, तो यही था फ्रॉम माय साइड। आपने मेहनत की है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी नहीं चाहता कि आपकी मेहनत जो है वो खराब जाए। तो हमारे साथ एग्जाम के साथ अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं आपने अपना इस वाले सीजल के लिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाइए, हमारे मॉक टेस्ट को लगाइए एंड यू कैन बाय अवर सुपर पैक आल्सो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।